आज के एपिसोड में अनुज अनुपमा से कहता है कि हमेशा की तरह उसे भी सब कुछ संभालना है। उसने अनुपमा के पक्ष में रहने का फैसला किया और कहा कि वह भी लड़ सकता है, लेकिन पाखी की ओर से निर्णय लेने के लिए वनराज और अनुपमा का अधिकार ज्यादा है। अनुज अधिक और पाखी के मामले में खुद को असहाय महसूस करता है। वनराज ने सोई पाखी के लिए माफी मांगी। वह कहता है कि वह परिपक्व नहीं है और उसे आदिक की जीवन शैली के प्रति मोह हो गया है। वनराज का कहना है कि वह पाखी को सबसे अच्छी शिक्षा देगा और एक अच्छा लड़का ढूंढेगा। वह पाखी को कपाड़िया से दूर करने का फैसला करता है। वनराज के कमरे से निकलने के बाद पाखी जाग जाती है। अनुपमा का कहना है कि आज बच्चे सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं। वह कहती है कि माता पिता भी अपने बच्चों को बिगाड़ने में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अनुज कहते हैं कि वे पाखी और अधिक को समझा सकते हैं, लेकिन वनराज का क्या? अनुपमा का कहना है कि पाखी पर उनका समान अधिकार है। अनुज अनुपमा को आदिक का सामना करने के लिए कहता है क्योंकि उसका भी अधिकार है। अनुपमा और अनुज एक दूसरे का समर्थन करने का फैसला करते हैं। अनुज ने अनुपमा को सांत्वना दी और उसे खुश किया। वे हाथ में हाथ डाले चलते हैं। अनुपमा ने अनुज को उसकी ताकत होने के लिए धन्यवाद दिया। अनुज ने अनुपमा को उनकी पत्नी बनने के लिए धन्यवाद दिया।